नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैलेट फिंगर की। यह आपकी उंगली पे होने वाली एक बहुत ही आम इंजरी है। हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि आमतौर पे स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेट खेलने वाले लोग और बॉल स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, इस तरह के स्पोर्ट्स में इस तरह की इंजरी हो सकती है। और अगर फोर्सफुली आपकी उंगली ऊपर से मुड़ जाए तो भी इस तरह की इंजरी हो सकती है। हमारी उंगली में उंगली को सीधा करने के लिए एक पीछे की तरफ से एक टेंडन आती है जिसको हम एक्सटेंसर टेंडन बोलते हैं। और यह एक्सटेंसर टेंडन आपकी उंगली में ऊपर ही ऊपर अटैच हो जाती है और यह टेंडन आपकी उंगली को सीधा करने का काम करती है। और जब यह उंगली सीधी नहीं हो पाती है तो इसको हम मैलेट फिंगर बोलते हैं। तो जब कोई बॉलिंग करते हुए आपको चोट लगे, फील्डिंग करते हुए चोट लगे, या इस तरह और कोई बॉलिंग स्पोर्ट में चोट लगे, कई बार आपको डायरेक्ट इंजरी भी हो सकती है यहाँ पे, और कई बार कट इंजरी भी हो सकती है। और उसके कारण अगर आपकी टेंडन में इंजरी आ रही है उंगली के ऊपर ही ऊपर वाले हिस्से में, तो ये मैलेट फिंगर हो सकता है। जब आपको मैलेट फिंगर होगा तो आपकी जो उंगली है वो थोड़ी मुड़ी भी रहेगी इस तरह से, और अगर हम उसको सीधी करने की कोशिश करेंगे तो आप उसको सीधा करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। अब मैलेट फिंगर की हम बात करें तो मैलेट फिंगर दो तरह का होता है। मैलेट फिंगर टेंडन अपनी जगह से उखड़ने के कारण भी हो सकता है, और कई बार जो टेंडन यानी कि जो नस होती है वो हड्डी के टुकड़े को अपने साथ लेके उखड़ जाती है, तो वो भी हो सकता है। मतलब जो आपकी नस है वो उखड़ सकती है और हड्डी का फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो दो तरह के मैलेट फिंगर होते हैं। एक को हम सॉफ्ट टिश्यू बोलते हैं जिसमें हमारी नस जो है वो उखड़ जाती है, और दूसरा जो होता है वो बोनी होता है, मतलब उसमें हड्डी का फ्रैक्चर होता है। जहाँ पे नस अटैच होती है वहाँ से हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है। अब जब मरीज हमारे पास आता है तो हम ये देखते हैं कि मरीज को क्लिनिकली क्या तकलीफ हो रही है, क्या वो अपने उंगली क्या उसकी उंगली मुड़ी हुई है और क्या वो उंगली सीधी कर पा रहा है। अगर उसकी उंगली मुड़ी हुई है और वो उंगली सीधी नहीं कर पा रहा है तो आम तौर पे ये श्योर है कि आपको मैलेट फिंगर की तकलीफ है। डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम एक एक्सरे कराते हैं आपकी उंगली का, और उस उंगली के एक्सरे में हम ये देखते हैं कि कोई एक्सरे में कोई फ्रैक्चर तो नहीं आ रहा है। अगर एक्सरे में फ्रैक्चर आ रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि आपके अंदर की जो हड्डी है वो उखड़ गई है। और अगर आपकी हड्डी उखड़ गई है तो इसका मतलब ये है कि ये बोनी मैलेट फिंगर की प्रॉब्लम है। आमतौर पे अगर मैलेट फिंगर आपको है तो इसका इलाज बहुत ही आसान है। हम एक मैलेट फिंगर स्प्लिंट का प्रयोग करते हैं। यह ऐसी स्प्लिंट होती है जो आपकी उंगली को एकदम सीधा रखती है, और अगर आप इसको एक्सटेंशन स्प्लिंट मतलब उंगली को एकदम सीधा रखेंगे और अगर इसको 6 से 8 हफ्ते तक रखेंगे तो आमतौर पर यह बीमारी ठीक हो जाती है, इसमें ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। तो यह एक्सटेंशन स्प्लिंट किन पेशेंट्स में दिया जा सकता है? पहला, अगर आपको सॉफ्ट टिश्यू मैलेट फिंगर मतलब आपकी जो नस है वह उखड़ गई है, हड्डी में चोट नहीं आई है, तो आप एक्सटेंशन स्प्लिंट आराम से दे सकते हैं। दूसरा, अगर आपको हड्डी में फ्रैक्चर आ रहा है और मैलेट फिंगर है तो वो हड्डी का जो फ्रैक्चर वो अपनी जगह से हिला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्चर अपनी जगह से हिला हुआ नहीं है तो भी आप एक्सटेंशन स्प्लिंट देके इस तकलीफ को ठीक कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि फ्रैक्चर होने के कारण आपकी जो जोड़ है वो जोड़ अपनी जगह से खिसक जाता है, जिसको हमारी भाषा में सबलक्सेशन या डिसलोकेशन बोलते हैं। अगर आपके मैलेट फिंगर में फ्रैक्चर आ रहा है और फ्रैक्चर होने के कारण आपका जोड़ अपनी जगह से खिसक गया है, या फिर 2 मिलीमीटर से ज़्यादा आर्टिकुलर गैप आ रहा है, या फिर आपकी जो आर्टिकुलर सरफेस है उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा इन्वॉल्व है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें एक सर्जरी करके हड्डी को अपनी जगह बैठाना चाहिए। यह सर्जरी एक पिन के माध्यम से की जा सकती है, इसको हम रेगुलर पिनिंग कहते हैं। कई केसेस में हम डॉर्सल ब्लॉक पिनिंग भी कहते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन ब्लॉक पिनिंग, वो भी हम करते हैं। और कई बार हम एक बटन के माध्यम से भी जो टेंडन होती है उसको रिपेयर कर सकते हैं।
तो कुछ एक परिस्थितियों में ही मैलेट फिंगर में ऑपरेशन करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा अधिकांश परिस्थितियों में यह एक मैलेट फिंगर स्प्रिंट के द्वारा बहुत सफलतापूर्वक यह तकलीफ ठीक की जा सकती है। अगर आपको मैलेट फिंगर से संबंधित कोई और भी डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हमारा चैनल एडवांस हॉस्पिटल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।